गुजरात के सीएम विजय रूपाणी कल मंच पर भाषण देते वक्त बेहोश होकर गिर गए। रूपाणी निकाय चुनावों के लिए प्रचार करने वडोदरा के निजामपुरा पहुंचे थे। यहां हुई सभा में मुख्यमंत्री अचानक उनको चक्कर आया और चक्कर खाकर गिर गए। इसके बाद उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। डॉक्टरों ने रूपाणी को स्टेज पर ही फर्स्ट एड दिया। इसके बाद वे खुद सीढ़ियों से नीचे उतरे। इलाज के बाद विजय रूपाणी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वहां जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि रूपाणी की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उनको चक्कर आया था। उनका ECG और CT स्कैन भी किया गया है, जिसमें चिंता की कोई बात नहीं पता चली है। उन्हें 24 घंटे तक अस्पताल में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। वडोदरा के निजामपुरा में रूपाणी की दिन की ये तीसरी रैली थी। वो तरसाली और करेली बाग में चुनावी सभा करने के बाद निजामपुरा पहुंचे थे।